नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे के एक नए नियम के बारे में। रेलवे अपनी यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव करता रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने एक बार फिर से एक बड़ा अपडेट साझा किया है। रेलवे की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि टिकट बुक करवाने के बाद अगर आप उसे कैंसिल करवाते हैं तो आपको रिफंड करवाते समय पैसा एक तरह से कह लें कि देना पड़ता है। कभी आपके दिमाग में यह बात जरूर आया होगा कि जब किसी भी ट्रेन का चार्ट बन जाता है उसके बाद हम अपना टिकट कैंसिल करवा सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमारे दिमाग में यह बात आता है कि हम जो है पैसा हमको कितना मिलेगा जब हम किसी भी ट्रेन में अगर हमको सफ़र करना है उस दौरान अगर हमने जो टिकट कटवाया है उसका चार्ट बन जाए तो उस दौरान जो है हमें पैसे कितने मिलेंगे। इसको लेकर IRCTC ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ साझा की है। रेलवे की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि चार्ट बनने के बाद अगर आप किसी भी कारणवश ट्रेन का टिकट कैंसिल करवाते हैं तो ऐसे स्थिति में भी आप जो है रिफंड का दावा कर सकते हैं। आपको बता दें कि IRCTC की तरफ से ट्वीट करके एक वीडियो साझा किया गया है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर किसी भी ट्रेन में आपने टिकट बनवाया है और उस ट्रेन का चार्ट बन गया है लेकिन उसके बाद अगर आप टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आप रिफंड का दावा कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे बिना यात्रा किए या फिर आंशिक यात्रा किए बिना टिकट कैंसिल करवाने पर रिफंड देता है। रेलवे के नियम के अनुसार इसके लिए आपको टिकट जमा रसीद यानी कि TDS जमा करना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि हम TDS कहाँ पे जमा करेंगे, तो यह बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद आप आसानी से उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए एक एक कर समझते हैं कैसे TDS का फॉर्म पूरा करें। सबसे पहले आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाना होगा यानी कि IRCTC.com पे। यहाँ पर आपको माई अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके नीचे में मेन्यू बार में माई ट्रांजेक्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप फाइल TDS विकल्प का चयन कर फाइल TDS कर सकते हैं, यानी कि TDS यहाँ पे भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दिखाई देने लगेगा जिस व्यक्ति के नाम से आपने या फिर किसी भी व्यक्ति ने जिसने भी टिकट काटा हो या फिर जो भी व्यक्ति जो है सफ़र करना चाहता है उसके बारे में जो है यहाँ पर जानकारियाँ साझा होने लगेगी। अब यहाँ पर आपको PNR के साथ साथ ट्रेन नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद कैंसिलेशन रूल्स के बॉक्स को क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जो आपने टिकट लेते समय फॉर्म में भरा था, उस OTP को दर्ज कर सबमिट करना होगा। इसके बाद आपके सामने PNR विवरण सत्यापित करें और रद्द टिकट का विकल्प पर जो है आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर रिफंड राशि दिखाई देगी। यहाँ पर आपको बुकिंग फॉर्म पर दिए गए नंबर पर आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा जिसमें आपके PNR और रिफंड से जुड़ा हुआ पूरा विवरण दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो है अगर आपका चार्ट बन गया है, किसी भी ट्रेन में आप यात्रा करना चाहते हैं और उसमें जो है चार्ट अगर बन गया है उसके बाद आप चाहते हैं कि टिकट कैंसिलेशन करवाएं तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत जो है अब पैसे आपको रिटर्न के रूप में रिफंड के तौर पर मिल सकता है। तो ये थी रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।